There's not a single day that passes without you on my mind. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार, आप लोग के हमारे चैनल जान ब्लॉग से स्वागत है। आज दिनांक 5 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी आज रात 9 बजे अपने घर में बालकनी घर के दरवाजा के पास दिया, मोमबत्ती और मोबाइल का फ्लैश लाइट और मोबाइल का टॉर्च अपने घर में जरूर जलाएं, ताकि एक संदेश जा सके, ताकि हम लोग अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सके। जो महामारी अभी फैला हुआ है पूरी दुनिया में, इससे हम लोग एक साथ इससे लड़ सके। जैसे हम सुबोध जी का टीम बोलते थे, तो उनका एक टीम है व्यवसायी संघ, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं, जिसमें इस दुख की घड़ी में वो लोगों को सेवा कर रहे हैं। तो आइए उन कुछ लोगों से मिलाएंगे, क्योंकि इस महामारी में सब लोग सरकार का जो नियम आया है लॉकडाउन, उसको पालन कर रहे हैं और अपने घर में हैं। तो कुछ लोग उनसे मिलाएंगे और उनसे बातें भी करेंगे कि आपके टीम में कौन कौन लोग हैं और कैसे लोग आपको सपोर्ट करते हैं। व्यवसायी संघ के कुछ मेंबर आज मोमबत्ती लिए हैं और लोगों को बीच में जाकर बांटेंगे और क्यों मोमबत्ती जलाएं, फ्लैश लाइट क्यों जलाएं, तो वो लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और उन वैसे वो खास मेंबर है, उनसे आज आप लोग को हम मिलाएंगे। कुछ लोग हैं जो कि अपनी जान को जोखिम भाई लोग, और आज से ये लोग नहीं कर रहे हैं, जब से लॉकडाउन हुआ तभी से ये लोग समाज सेवा के काम में जुड़े हुए हैं। इनके साथ बहुत सारे व्यवसाय संघ के मेंबर हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि आज इसी कार्यक्रम में नहीं आए हैं। तो इन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित करने के लिए। तो आइए इनसे परिचय लेते हैं। सर, मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता हुआ। क्या करते हैं? मैं समाज सेवी हूँ। आपका नाम क्या सर? अशोक कुमार जी। सर, आप क्या करते हैं? समाज सेवी हैं और होटल संघ से जुड़े हुए हैं, होटल संघ के सचिव हैं। मेरा नाम हुआ सुबोध कुमार मोदी और व्यवसाय संघ का अध्यक्ष हैं जी। मेरा नाम इंदु शेखर हुआ और हम नगर मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा जी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आपके टीम में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? टीम में राजगीर के करीब करीब व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं जी सर, और उनका उद्देश्य है कि राजगीर व्यवसायी संघ से अच्छा काम हो और एक अच्छा मैसेज जाए समाज के बीच में जी। जहां सरकार की योजना नहीं पहुंच रही है जी सर, वहां हमारी योजना जा रही है। और हम चाहते हैं कि कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे, उसके लिए हम लोग जब तक लॉकडाउन है तब तक हम लोग ये अभियान चला के रखेंगे, और इसके लिए हम लोग का जितना पैसा खर्च हो सकता है हम लोग इससे पीछे कभी नहीं भागेंगे। और आज जो मोदी जी का जो संदेश है हर घर में दिया जलाने का, मोमबत्ती जलाने का, तो आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आज मोमबत्ती का वितरण करेंगे, कपूर का वितरण करेंगे, ताकि ये जो संदेश है पूरे देश भर में वो अच्छा से जाए। और इसका अगला कार्यक्रम हम लोग कल से पुनः फिर अनाज का वितरण करना शुरू कर देंगे, ताकि कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे, कोई भी गरीब भूखा नहीं सोए। यही मेरा उद्देश्य है। लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग से जो बन सकता है, हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, राजगीर व्यवसायी संघ जमीन पर काम कर रहा है, और इसके लिए हम अपनी टीमों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इस दुख की घड़ी में सब लोग साथ हैं और सब लोग मदद की भावना से काम कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं। और मैं सभी लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद राजगीर व्यवसायी संघ। राजगीर व्यवसाय संघ का अध्यक्ष सुबोध कुमार मोदी हम खुद हैं, और व्यवसायी संघ का संरक्षक संजय कुमार गुप्ता जी हैं, और व्यवसायी संघ के संरक्षक अशोक कुमार महतो जी हैं जो होटल संघ के सचिव हैं, और डॉक्टर अमित कुमार है, अजीत कुमार है, साधु साव है, और हमारे इंदु शेखर जी हैं, और जितेंद्र चौधरी जी है, और कई ऐसे नाम हैं जो नहीं आ पा रहे हैं तो देख सकते हैं बहुत सारे लोग व्यवसाय संघ में जुड़े हुए हैं जो कि नहीं आ पाते हैं, और ये सरकार का जो नियम है लॉकडाउन उसको पालन करते हैं, और घर से जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट होता है इन लोगों को देते हैं, और ये लोग अपनी जान पे जोखिम में डालकर लोगों को मदद करते हैं। ये लोग एक अच्छी बात ही बोली कि जहाँ पर सरकार का जो योजना होता है वो नहीं पहुँच सकता है, तो ये लोग जाकर उनको तक पहुँचाते हैं। बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज रात में 9 बजे से 9:09 तक कैंडल जला के, दिया जला के, टॉर्च जला के हम लोग उसके लिए लोगों को जाके घर घर जाके आज प्रेरित करने वाले हैं जी। तो क्या मतलब मोदी जी क्या संदेश देना चाहते हैं? मोदी जी
मोदी जी संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग एक सूत्र में बंध के सब लोग मतलब दिया जलाएं, बत्ती जलाएं और वो लाइट बत्ती को बंद करके रखें। सर का कहना है कि जो महामारी पूरे देश में फैला हुआ है तो सब लोग एक साथ आएं और एक साथ इससे लड़ें। तो देखिए इसमें तैयारियां तो काफ़ी बृहद रूप से होती है, चूँकि लॉकडाउन है और बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। उसका रीज़न है कि वाहनों का परिचालन जो है पूर्ण रूप से बंद है, तो उसके कारण हमें सामान जुटाने में बहुत समस्या होती है। लेकिन फिर भी हमारी टीम का जज्बा ऐसा है कि सारे सामान को उपलब्ध करवा करके उसको पैकिंग कर करके और लोगों के बीच में बांटा जा रहा है। और सिर्फ मेरी ही टीम का नहीं, ये व्यवसायिक संघ टीम का ही नहीं, मैं राजगीर में जितने भी टीम लगे हुए हैं, चाहे वो आरआरसी हो, जितेंद्र जी लगे हुए हों, पंकज जी लगे हुए हों हमारे, या सोनू जी लगे हुए हैं, मैं सबको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि आप लोग जो है राजगीर के गरीब लोगों के बारे में सोच रहे हैं, और उसके लिए मैं खुद इंदुशेखर आपका सदा आभारी रहूंगा। और आप लोग जब चाहें जैसे चाहें हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। देखो बोले कि सबको एक साथ आइए और एक साथ सब सहयोग कीजिए, और देख सकते हैं राजगीर में बहुत सारा ऐसा ग्रुप है जो कि काफ़ी लोग गरीबों को मदद कर रहे हैं। ये सुबोध जी से हम जानना चाहेंगे कि आप मतलब घर पे जैसे कि निकलते हैं तो क्या किन लोगों को ज़रूरत होता है, तो कैसे आप फोकस करते हैं कि उन लोगों तक ज़रूरत पहुँचाना? पहले एक लिस्ट बनाते हैं। अच्छा। लिस्ट बनाने के बाद हमको पता लगाते हैं कि ज़रूरतमंद को खाना की दिक्कत कहाँ है। अच्छा। और कहाँ हमको पैकेट पहुँचाना है। तो हम दिन दो से तीन घंटा में पैकेट तैयार करते हैं, और जहाँ हमको जाना रहता है पहले टारगेट बना लेते हैं कि हमको फलना जगह जाके गरीबों को मदद करना है, तो गरीबों को मदद करते हैं। और इस हमारे संजय गुप्ता जी, अशोक कुमार महतो जी, इंदुशेखर जी और कई ऐसे हैं जो इसमें सहयोग करते हैं। इन दोनों का बहुत ज़्यादा सहयोग है और सब सहयोगी में लगे हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे। ये टीम सोच रहा है कि हर दिन हर प्रयास रहता है कि कम से कम एक दिन में तीन गांव को टच करते हैं। कल टच किए विस्थापित डिग्री कॉलेज वार्ड नंबर 18। हमारे टीम पूरे चारों पट्टी घूम रहे हैं। यहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं भाई लोग, तो आप लोग भी अपने समाज अपने देश की रक्षा में लोगों को मदद कीजिए। और चलिए अब जो कैंडल है अब उन लोगों तक पहुँचाया जाए और उन लोगों को जागरूक किया जाए कि ये आज जो कैंडल हम लोग निकाले कालीन जाकर दे रहे हैं तो इसको कैंडल जलाने से क्या फ़ायदा है। तो चलिए लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों से भी थोड़ा कुछ बात करते हैं। तो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। आपका क्या नाम है छोटू? क्या नाम है आपका? आनंद। आपका क्या नाम है? क्रिश्चन। पढ़ने जाते हो आप? कौन से क्लास में पढ़ते हो? नहीं। तो क्या कीजिएगा आप? रात को 9 बजे से 9 मिनट जलाऊंगा। तो इसको क्यों जलाएंगे? कोरोना वायरस को भगाने। अच्छा अच्छा, चलिए छोटा बच्चा है तो बहुत ही अच्छा समझदारी है, लेकिन आपको नियम को जरूर फॉलो करना है, ठीक ना? 9 बजे 9 मिनट तक घर का लाइट बंद कर देना है, इसको जलाना है, ठीक है? छोटे बच्चे कौन सी क्लास पढ़ते हो आप? 2 क्लास। तुम? 3 में। तो देख लीजिए, इसको बच्चा को पता है कि कोरोना वायरस कैसा गंभीर बीमारी है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे देश को बच्चे को पढ़ाना बहुत जरूरी है। संघ का जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तो लोगों को बांट दिए मोमबत्ती और लोगों के बीच में जागरूक करने का प्रयास किए कि रात के 9 बजे 9 मिनट तक राजगीर में जितना हो रहा है जी, चाहे वो राजगीर रॉयल क्लब हो, चाहे वो संस्कार सेवा हो, जितेंद्र जी हो, पंकज जी हो, सुबोध कुमार मोदी हो, इंदुशेखर हो, रवि जी हो जी जी जी, और हमारे अशोक महतो जी हो, संजय कुशवाहा जी हो, संजय गुप्ता जी हो, और हमारे विकास भैया हो जो वार्ड सदस्य हैं। तो जितना हो रहा है लोगों से, चाहे राजगीर में जितने भी लोग हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं या राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो वो राजगीर के लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन हम सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करेंगे कि आप लोग जहां भी हों तो आप अपने आसपास लोगों की मदद करें। अगर मदद का हाथ फैलाएंगे ना तो बहुत बड़ा समस्या नहीं है, और भारत इतना बड़ा देश है कि हम हर समस्या को मिल करके और सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बताइए, लोगों को मोमबत्ती बांटे तो लोगों में कैसा आपको देखा, लोगों को कैसा लोग आपको बधाई दे रहे थे? बहुत अच्छा फील किया, बोला बहुत अच्छा है मोदी जी। और 9 बज
9 बजे मोमबत्ती जलाना है और 9 मिनट तक अपने घर को लाइट को बंद करके जलाना है और इस कोरोना से सब मिलके लड़ना है और कोरोना को भगाना है, यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा। और गरीबों के बीच में आज तो मोमबत्ती बांटने का काम किए, कल अनाज वितरण करने के लिए बस सुबह में 7:30 बजे से लगेंगे और 12-1 बजे तक फिर राशन वितरण करेंगे और 200 पैकेट बनाएंगे और 200 परिवार के घर में पहुंचाने का काम करेंगे। एक भी भूखा हम रहने नहीं देंगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा। जितने भी व्यवसाय संघ में काम कर रहे हैं और भी जितने राजगीर ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस दुख की घड़ी में सब एक साथ आए हुए हैं और सब लोग दिन रात दम मानव जाति में अपने आप को खपा दिए हैं। तो उन सर को मैं सैल्यूट करता हूँ जो कि मानव जाति में अपने आप को सेवा दे रहे हैं। आज का जो वीडियो था, माननीय प्रधानमंत्री जी जो लोगों को दिया मोबाइल का फ्लैश लाइट और टॉर्च जलाने के लिए अपने घर में 9 बजकर 9 मिनट तक वो घर में जलाने के लिए इसलिए बोले हैं ताकि अंधकार से हम लोग प्रकाश की ओर बढ़ें और एक साथ हम लोग कोरोना वायरस से लड़ें। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है या मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसका रिप्लाई देने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो में कुछ हम गलती बोल दिए हैं तो छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को प्रेस कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ही मिलते हैं किसी नए वीडियो और किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल और दूसरों का ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है।